हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ओम के नियम के बारे में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है या ओम का नियम किसे कहते हैं। तो मेरा आंसर होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, परिभाषा है, उसको हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे बना सकते हैं। बोला क्या है कि किसी चालक के अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करे, और भौतिक अवस्था क्या होगा, मेरा लंबाई है, ताप है, ये क्या हो जाएगा उसका भौतिक अवस्था। अब इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सिरे पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, और विभवांतर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, वी से। तो वी अनुक्रमानुपाती आई, या हम लोग इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल आर इंटू आई, जहाँ पर आर क्या है, मेरा एक नियतमान है, नियतमान अर्थात एक नियतांक बोल सकते हैं। ठीक, आर क्या होगा, मेरा एक नियतांक। ठीक, अगर हम लोग यहीं पर आर का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, आर इज इक्वल वी बटे आई, ये होगा। चलो अब इसको हम लोग डायग्रामेटली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, एक मूल बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर ओ, और बोला क्या है कि इस चालक का भौतिक अवस्था नियत रहेगा, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को नियत रख देते हैं। अब उसके वेग में अगर वृद्धि करें तब उसके धारा में भी कैसा होगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब वही है ना कि यदि हम लोग वेग के मान में वृद्धि करें या न्यूनता करें तो सेम इफेक्ट किस में दिखेगा, धारा I में दिखेगा। तो यही है मेरा ओम का नियम। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।